कि बच्चे की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चे की ना रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं, बेटे को? कुछ जहन में चले, एक ख्याल होगा, आप क्या बनाना चाहती हैं? जो आप अपने बेटे, फर्ज करें आप चाहती हैं कि आपका बेटा जो है वो जज बने हाई कोर्ट का, और उसकी उम्र है 3 साल, ठीक है, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, और आपने कहना था कुर्सी खाली करो, खाला आई है तुम्हारी, तो आप उसको कैसे कहेंगे उठो? लेकिन उसमें जज साहब बैठे होंगे तो उनको कैसे कहेंगे आप? रिक्वेस्ट प्लीज, आप जहमत तो होगी आपको, बुरा ना मनाइए, ये मेरी छोटी बहन आई हुई है, तो आप अगर वहां तशरीफ रख लें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होंगी। तो मीलॉट, जो आप उसको बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए उसको तैयार करने का मतलब यह है कि उसकी वैसी इज्जत करें जो आप उसको बनाना चाहते हैं। आप उसको हाफिज़े कुरान बनाना चाहती हैं, और उसको कहते हैं उठो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, कपड़े देखे तुम्हारे कितने गंदे हो गए, चलो जो, उसकी वैसे इज्जत कीजिए जैसे हाफिज़े कुरान की इज्जत करनी है। आपने जो उसको बनाना है उसकी वैसे इज्जत करनी शुरू कर दीजिए। और प्लीज आप याद रखिए, किसी फेलियर की वजह से अपने बच्चे की इंसल्ट ना कीजिए। बच्चे के लिए सबसे बुरी बात है इंसल्ट। अपना इलाज कराइए, गुस्से वाली वर्कशॉप अटेंड कीजिए, इसलिए कि वो एक इंडिविजुअल है। आप जरा मेरी इंसल्ट करके दिखाइए मुझे इस वक्त, आप नहीं कर सकेंगी, मैं जरूरत नहीं कर सकता आपकी इंसल्ट करूं। मैं जरा सा आपसे बदतमीजी से बोलूं, आप उठ के खड़े, क्या मतलब भाई, आप उठ के मोबाइल फेंक के आप उठ के चले जाना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे के अंदर भी वही जज्बात है, मगर इत्तफाक से वो आपसे कमजोर है। जब आपने बच्चे को थप्पड़ मारा है ना किसी बात पर, वो बच्चा आपको थप्पड़ मार नहीं सकता, मगर आप यकीन कीजिए वो थप्पड़ आपने बैंक में जमा करा दिया है। लेकिन इससे बेहतरी नहीं हो रही, इसको साइंटिफिक स्टडीज ने बताया है कि इससे बेहतरी नहीं हो रही है। अगर ऐसी होती तो डांटने से बेहतरियां हो जाती। आपको लग रहा है मैं इस बात को खत्म कर लूं ताकि हम इसको समेट लें, फिर बीच में से जो ज़मीनी बातें निकलेंगी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपने बच्चे को थप्पड़ मारा है ना, या कहा है तुम नालायक इंसान हो, और अगर तो वो 7 साल से कम उम्र का है ना, फिर तो इससे बेहतर था कि आप उस बच्चे को कत्ल कर देते। ये ज्यादा, मतलब मैं एग्जरेट करके बयान कर रहा हूं, सिर्फ एक इमोशन उसमें अटैच करने के लिए। मगर 7 साल से कम वाले के अंदर आपने रिकॉर्डिंग मशीन में डाल दिया ना, तुम नलायक इंसान हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, भटकोगे तुम गलियों के अंदर। आप यकीन करें वो 7 साल के बाद सारी जिंदगी आपकी इस बात की लाज रखते हुए साबित करेगा कि मैं भटकूंगा, वो साबित करेगा कि मैं भटकूंगा। और अगर आपने उसको थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ बैंक में जमा हो गया जैसे मैंने अर्ज किया था, और उसमें फिर बैंक जैसे हर साल सूद देती है, वो सूद के साथ इकट्ठा हो रहा है। अभी वो आपको थप्पड़ मार नहीं सकता, एक वक्त में आएगा वो आपको थप्पड़ मारने के काबिल हो जाएगा, और वो आपको थप्पड़ मारेगा। वो थप्पड़ जरूरी नहीं कि फिजिकल मारे, वो अचानक कहेगा मामा मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है। आप कहेंगे मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन मामा आखिर रोजगार के लिए मुझे जाना ही होता है। आप कहेंगे जिसके साथ शादी की है ना मैंने, अजीब मैं बहू बहाल आई हूं, हालांकि मेरे भाई की बेटी है, पता नहीं इसने क्या मेरे बेटे के कान में फूंक मारी है, वो उसको लेकर दुबई चली, मुझे जोड़ों का दर्द है, इसके अब्बा को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, इसको ख्याल ही नहीं आया। वो थप्पड़ था जो कि सूद के साथ इकट्ठा हुआ हुआ है, और वो अब उसने आपके मुंह पे मारा है। इसलिए बच्चा अगर आपके यहां पैदा हो गया है तो वो आपका मेज या आपकी कुर्सी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी आदमी, चाहे आपका बेटा है चाहे कुछ भी है, वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसल्ट को रिएक्ट करना उसको नहीं आ रहा इस वक्त, इसलिए चुप करके डर के बैठ गया है। फर्ज करें वो थप्पड़ नहीं मारेगा तो उस थप्पड़ ने उसको सारी जिंदगी के लिए डरपोक भी बना। हो सकता है उसका ये रिएक्शन निकले कि वो सारी जिंदगी के लिए थप्पड़ खाना, वो थप्पड़ खाता रहेगा। वो बंदा होगा जिसको उसका बॉस भी थप्पड़ मारेगा,
जिसको देखे ना, मां वो है कि जब कोई गलती करके आएगा तो उसने मां के दामन में अपने आप को छुपाना है, उसी मां ने उसको थप्पड़ मारा है। तो मां का फिजिकल होना तो इतना बड़ा क्राइम है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसको मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसको पूरी साइकोलॉजी ने, पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी ने साबित किया। अगर आपने बच्चे की बेइज्जती कर दी ना किसी बात के ऊपर, बेइज्जती कर दी, ये बेइज्जती अगर वो आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेगा तो वो पूरी दुनिया को इजाजत दे देगा अपने खिलाफ करने की। तो दूसरा ये है कि उसकी बेइज्जती ना करें किसी बात, और खासतौर पे आप बेइज्जती किस बात पे कर रहे हैं मुझे बताएं। तुम्हारे नंबर नहीं आए सही, क्या जिंदगी नंबर गुजारने का नाम है? नंबरों के ऊपर जिंदगी होनी चाहिए। मेरे पास मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं 1200-1200, मैं पब्लिक मेडिकल कॉलेज का हूं जिसमें मुफ्त या तकरीबन मुफ्त पढ़ाई होती है, तो 80,000 बंदों में से चुन के आते हैं बंदे 3,500, जिसमें से 300 मेरे पास आते हैं। आपके ख्याल में वो क्या बच्चे होते होंगे जो 1200-1200 नंबर लेके आते हैं, और वो पहला इम्तिहान जब होता है ना, हाय अल्लाह हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारी स्टेज हो रही है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्या ये वो बच्चा था 1200 नंबर लेने वाला? नंबरों ने क्या कर दिया उसको? आप सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को इज्जत करेंगी या करेंगे कि उसके नंबर आते हैं, और जिंदगी गुजार में नंबर होने की क्या अहमियत है? इतनी सी अहमियत है। तो बेसिकली नंबर लेके हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बच्चे को तबाह कर रहे हैं। वो नंबर ले ले, बड़ी अच्छी बात है, मैं ही नहीं कह रहा कि नहीं नंबर लेने चाहिए, मगर ये नहीं है कि इसकी उसकी बेइज्जती करें आप। पूरे पंजाब में 3,500 लोगों को दाखिला मिलेगा, 80,000 अप्लाई करते हैं, 2,00,000 ख्वाब देखते हैं इसके, तो उन 3,500 के अलावा बाकी सारों की मां बापों को यह इख्तियार तो नहीं है कि उनकी बेइज्जतियां करनी शुरू कर दें। तो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको यह बताया कि 7 साल के लिए आप अपने ऊपर एक पाबंदी लगा दें, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप रिस्पेक्ट करें उसकी। जब आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो पता क्या होता है, या तो वो रिटेलिएट करते हैं अगर पावरफुल हो, अगर वो पावरलेस होते हैं तो उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी कम हो जाती है। उनको लगता है मैं गंदा हूं, मुझे लगता है मैं बुरा हूं, मेरे लिए मेरी मां से बड़ी सनद कोई नहीं है जिसको मैं देखकर आंखों में देखकर फैसला करता था क्या सही है क्या गलत है, उसी मां ने मुझे थप्पड़ मारा है, यानी मेरे ऊपर सबसे बड़ा फतवा लग गया है कि मैं गंदा आदमी हूं, मैं इस काबिल हूं कि मुझे मारा जाए। क्यों भाई? जो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुकद्दस हस्ती थी उसने यह फतवा दिया है कि तुम थप्पड़ मारने के काबिल हो, इसका यह मतलब है। तो अब अच्छा, ये तो कहा ना आपने बच्चे, ओके, आपने बीच में आपके सवाल का जवाब दे दूं कि जो अब तो ये वक्त गुजर गया, आप क्या करें? अब ये करें कि बच्चे को बुलाएं और बुला के कहें, बेटा अब तक की जिंदगी में तुम्हारी तरबियत के सिलसिले में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। वो कहेगा मामा आप क्या कर रही हैं, क्योंकि वो सब कुछ उसके सबकॉन्शियस में। उसका नहीं बेटा, मेरा ये फर्ज है कि मैं तुमसे कहूं, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने जान के कुछ नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि तुम्हारे कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में किसी जगह पर तुम्हें ख्याल हो कि मां ने मुझे, मैं बेटा माफी मांगती हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुम पर इतबार करती हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, और आइंदा तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन तुम सिर्फ एक वादा करो, जो तुम्हारे दिल में हो मुझे बता दिया करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता या करती हूं कि मैं तुम्हारी आइंदा इंसल्ट नहीं करूं। हां, मुझे कुछ अच्छा ना लगा, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, मैं तुम्हारे साथ आर्गू करूंगी, मैं तुम्हें समझाने, लेकिन मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगी आइंदा, प्लीज। ये तो ये इसका हाल है जो बड़े हो गए उनके साथ।